हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए समर स्पेशल कैरी की लॉन्जी लेके आई हूँ, जिसे आप आम की लॉन्जी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पके हुए आम से लॉन्जी नहीं बनाई है, ये मैंने कच्चे आम से लॉन्जी बनाई है। तो ये भी एक अलग ही डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। और ये खट्टी मीठी जो लॉन्जी होती है ना, थोड़ी तीखी सी, ये गर्मियों में बड़ा मज़ा आ जाता है। इसको किसी के साथ में भी आप खा सकते हैं, चाहे तो पराठा, रोटी, कोई भी सब्जी के साथ में इसको ज़रा सा ले लीजिए और स्वाद बढ़ा लीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून, राई मस्टर्ड सीड्स 1 टेबल स्पून, मेथी सीड्स 1/2 टेबल स्पून, कलौंजी जिसे हम ओनियन सीड्स बोलते हैं 1 टेबल स्पून, और इसमें हींग हम 1/4 टेबल स्पून लेंगे, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे सौंफ हमें लेना है, फेनल सीड्स 1 टेबल स्पून। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है लो फ्लेम पे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी मेरी मसाले हैं ये जले नहीं, बस हल्का सा हमें इनको सेकना है। तो इसको सेकने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट का मैंने इस्तेमाल किया था। तो ये 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे ये मैंने कटी हुई कैरी ली है, ये मैंने 250 ग्राम कैरी ली है। इस तरीके से मैंने इनको काट रखा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हो। अब इसको हम ये जो हमने मसाले अभी भुने थे उसमें हम डाल लेंगे और इसको भी 1, 2 या 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेंगे। वैसे तो लॉन्जी जो है वो सभी को आती है अच्छे से बनाना, लेकिन ये जो स्टाइल से लॉन्जी मैंने बनाई है, अगर आप मेरी वाली स्टाइल से अपने घर में लॉन्जी बनाएंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, इसको 2 या 3 मिनट के लिए अब हम लोग कवर करके कुक कर लेंगे, जिससे ये जो कैरी है हल्की सी जो ना मेल्ट हो जाए, मतलब गल जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको ढक के पकाते हुए। तो ये देखेंगे तो आप यहाँ पे कैरी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब बस हमें इसको हल्का से एक बार और स्टिर करना है, मतलब मिक्स करना है। तो इस तरीके से मैं एक बार इसको अच्छे से हिला लेती हूँ। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे 1 कप। इसके रेशियो का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कैरी ली थी तो मैंने 1 कप पानी लिया है। अगर आप 1/2 किलो कैरी लेते हैं तो आप 1.5 कप पानी या 2 कप पानी डालिएगा। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा एक बॉईल आने तक इसको हमें गैस पे अच्छे से उबालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉईल आ चुका है। अब ये एक बॉईल आने के बाद हम इसको अगेन थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करवाना है। तो अब इसमें हम लोग अपने मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, इसमें मैंने गुड़ लिया है जो कि मैंने ग्रेट कर लिया था 1 कप। आप चाहें तो शुगर की भी बना सकते हैं, मतलब शक्कर की भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का जो लॉन्जी होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप गुड़ ही डालिएगा। तो गुड़ मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था। अब इसको तब तक चलाइएगा जब तक आपका ये जो गुड़ है वो अच्छे से इसमें डिसॉल्व नहीं हो जाए। वैसे तो मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको मिक्स करने के लिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और अगेन इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपनी मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम लोग फिर से ढक के 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं। तो आप देखेंगे तो देखो कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसको हम फिर से एक बार अच्छे से स्टिर कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसको कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से पक चुका है। 5 मिनट बाद इसकी जो पानी की क्वांटिटी थी वो भी कम हो गई है। अब हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि जो हमारी कैरी के जो पीसेस थे ये अच्छे से गले हैं या नहीं गले हैं। तो इसको इस तरीके से किसी भी चम्मच से, नाइफ़ की मदद से या पलटी की मदद से आप काट के देख लो
अगर ये अच्छे से मैश हो रहा है, कट रहा है, तो मतलब आपका अच्छे से गल चुका है। अगर नहीं गला है तो आप थोड़ा सा और उसको कवर करके कुक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम काला नमक लेंगे हाफ टेबल स्पून, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सबसे लास्ट में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चाट मसाला 1 टेबल स्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक बार। और यहाँ पे आप चाहे तो गैस बंद भी कर सकते हैं, चाहे तो लो भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी गैस लो रखी हुई है। अब मैं इसकी जो गैस है वो बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। वैसे तो जो लौंजी होती है वो ठंडे होने के बाद और जब वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तब उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मेरी कैरी की लौंजी पूरी तरीके से बन के तैयार है। अब आप भी ये वाली रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।